ओके, सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. गिवन अ लिस्ट ऑफ एन माइनस वन इंटीजर्स एंड दीज इंटीजर्स आर इन रेंज 1 to n. सो देर आर सम कंडीशंस एंड फर्स्ट वन इज there are no duplicates. Right? So, question you could understand, I think. We can take an example to understand this question. Given list of n minus 1 integers, suppose n minus 1 means it's 4. What does it mean? It means that n equal to 5 and we have 4 numbers, right? You got it? And these numbers are in the range 1 to n. So when numbers are in the range 1 to n, it means 1, 2, 3, 4 and 5, because we are starting n equal to 1 and n is equal to 5. So number could range from 1 to 5, but we have only 4 numbers. If n is 5, then we have only 4 numbers. It means one of these number is missing in the list. So I will write another condition here. One of the integer is missing. So now your task is find that missing number. So I would like to hear the answer from you first. Everyone got the question? Can you hear me? Yes, sir. Okay, so tell me whether you can understand this question or not. Shreya, can you understand this question? Yes, sir. Okay. So can you give me any answer or probable answer, whatever is in your mind? Any guess? How can you find out that missing number? For this example, suppose we have n equal to 5 and we have 4 numbers in the range 1 to n. So it could be 1, 2, 3 and 5. So missing number is 4, right? Missing number is 4. Is it clear? Yes, sir. So how can you find out which one is the missing number? Nikhil? By using for loop. Okay, so suppose you use a for loop, then how will you find out that this particular number is missing? How, what condition you are going to put inside for loop? Sir, हमें पता है 1 to 5 का array है, उसमें हम एक एक counting चलाएंगे, और अगर if 1 = 1 आ रहा है, ठीक है, और फिर 2 = 2, हमें पता है 1 to 5 का ही कह रहे हैं, तो हम उसमें काउंटिंग चलाते हैं. अगर तो उसमें हम पहले 1 से 3 तक चेक करते हैं, और फिर जब 4 is not equals to 4 आएगा,
वो हमें दे दे क्योंकि ठीक है, आपने एक चीज गलत समझ ली, मैं आपको बता दूं, एरे ऐसा भी हो सकता है। अब बताओ, जो कंडीशंस हैं उसमें से एक ही भी है, एरे माइट नॉट बी सॉर्टेड। अब बताइए। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब कि कोई जरूरी नहीं कि एरे सॉर्टेड हो, जैसे आपने सोचा कि एरे सॉर्टेड होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, आपको लगेगा ये तो आसान तरीका था, हमको क्यों समझ में नहीं आया, ये क्यों दिमाग में नहीं आया, ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, पहले ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? अंशिका आप बताएंगे, कौन बताएगा? याद नहीं सर, याद नहीं तो बहुत ही मतलब ऐसा फॉर्मूला है कि याद रहना चाहिए, तो ये तो पढ़ा होगा आपने शायद से 9th में, 10th में या 11th 12th में पढ़ा होगा कहीं। n n plus 1 by 2 सर, n ठीक है, n into n plus 1 by 2 ठीक है, ये किस चीज का सम होता है? n नंबर्स का, n नेचुरल नंबर का, राइट। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपको बोलना है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का सम क्या होगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा कितना है, 15। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 5 इंटू, क्योंकि 5 यहाँ पे n है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 इंटू 6 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। तो दोनों आंसर देखो सेम है। तो आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि ट्राई टू टेक n इक्वल टू 10 एंड सी वेदर यू गेट सेम आंसर नॉट। ठीक है, सेम आंसर कैसे? एक तरीका तो ये वाला चेक कर लो, एक ये वाला चेक कर लो, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। 55 सर, 55 आ रहा है। दोनों तरीके से चेक कर लिया आपने? यस सर, सर सिंपल एपी का भी प्रोग्रेशन है ना। ठीक है, तो ये 55 आ गया, राइट। तो क्या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, जो अभी हमने ऊपर दिया था? देखो हो सकता है कोई तरीका? यस सर, क्या हो सकता है सर? जैसे सर पहले इनका पूरे उसका सम निकाल देंगे, फिर बाद में जो जो लिस्ट होगी फिर उसका सम निकाल के फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, गुड। तो मेथड वन क्या हो गया हमारा? मेथड वन कुछ ऐसा हो गया, समझ लीजिए, स्टेप वन, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। स्टेप टू क्या हो गया, कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे। और स्टेप थ्री क्या हो गया, मान लीजिए एन इक्वल टू जो भी आपका फर्स्ट आया, ठीक है, इसको आप मे बी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे आपने इसको एक्स नाम दे दिया और इसको वाई दे दिया, तो यू हैव टू कैलकुलेट एक्स माइनस वाई, राइट। तो एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज द मिसिंग नंबर। अगर आप एग्जांपल के जरिए ये चीज देखना चाह रहे हैं तो मैं एक एरे बना लेता हूं,
फाइव थ्री टू वन। तो फाइव तक का जो हमने फॉर्मूला बनाया था एक, इससे आ रहा था 15। अब इनका सम कर लो कितना आया, ये एक्स हो गया आपका ऊपर वाला, वाई कितना आया, 11 आया। तो एक्स माइनस वाई ये मिसिंग नंबर है, सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, तो आप बता सकते हैं मुझे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस सॉल्यूशन की? ओ लो, यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। ये तीन स्टेप है यहाँ पे जो अभी किया हमने, स्टेप वन टू एंड थ्री। तो कैन यू टेल मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस एल्गोरिदम? बताओ अपूर। नंदिता सर एन बाय टू। एन बाय टू कैसे, रीजन भी देना साथ में, गेस नहीं करना सिर्फ। ठीक है, एन बाय टू कैसे बोला आपने, देख लो एक बार, स्टेप्स लीजिए। निखिल बताइए, निखिल पता नहीं, पता नहीं। श्रेया सर पता नहीं। अंशिका पता नहीं सर। तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में? नो सर। वीडियो भी डाली है मैंने यूट्यूब में, तभी तो मैं कह रहा हूँ देखो ऐसे क्लास करने का क्या फायदा होगा, जब हम पुरानी चीज कहेंगे आपको पता ही नहीं होगा क्या हुआ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आसान है इसकी निकालना, इसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा कि आपको डिफिकल्टी फील हो। कैसे निकालते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? कुछ भी नहीं पता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जानते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? हर स्टेप का वन प्लस होते जाता है सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हर स्टेप का वन प्लस होते जाता है, तो इसमें कितनी हुई कॉम्प्लेक्सिटी? ये तीन स्टेप है हमारे पास। तो सर लूप भी चल रहा है ना सर, तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा? अगर इसका कोड लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा कोड? अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाना चाहूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो क्या बनाऊंगा मैं? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसको x में सेव कर दूंगा, एक लूप चलाऊंगा i इक्वल टू जीरो टू n, और एक वेरिएबल लूंगा y जिसमें y प्लस जो भी आपका एरे का एलिमेंट होगा वो सम करता रहूँगा, और फाइनली मैं एक्स माइनस वाई कैलकुलेट कर दूंगा, इसको मैं मिसिंग नंबर बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ मिसिंग। ये इसकी कुछ एल्गोरिदम है इस टाइप की, इसको देख के बता सकते हो क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी? इसमें कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ये वाला जो पार्ट है?
आप लोगों को पता ही नहीं है, इसमें कांस्टेंट टाइम लगेगा, इस पूरे में ओ एन टाइम लगेगा क्योंकि लूप एन बार चल रही है और ये चीज़ कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये ओ एन हो गया। ये वाला एकमात्र स्टेप है तो इसमें भी कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे एल्गोरिदम की तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। जो पहले मैं वीडियो एक बार अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, उसको देखिए आप लोग प्लीज, अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी कि आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे भी बच्चे इतने कम हैं आज, शायद से मैं नेक्स्ट टाइम से क्लास लूंगा नहीं अब, क्योंकि जब बच्चे सीरियस नहीं रहेंगे तो फिर क्लास लेने का फायदा क्या है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया, दिस वॉज द मेथड वन। कोई बता सकता है इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है क्या, सही तरीका है ये सॉल्व करने का? कोई आपको लग रहा है कि इसमें ड्रॉबैक हो सकता है कोई? बोलो, कोई तो बोलो। नंदिता, कोई ड्रॉबैक हो सकता है इसको सॉल्व करने का इस तरीके से? सर अगर डुप्लीकेट होता तो शायद होता है, लेकिन आपने ऊपर लिख रखा शायद डुप्लीकेट नहीं हो सकता इसमें। हाँ डुप्लीकेट नहीं होता, लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक पूछ रहा हूँ मैं, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को? तो ये समझ लो कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कैन बी प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। वो कब हो सकता है? इफ एन इज लार्ज। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ओवरफ्लो का क्या मतलब है, जानते हो? इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, ये बात आपको पता है सबको। अगर हम इंटीजर एरे ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बाइट्स होंगी, मान लीजिए 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट। ठीक है, दिस इज 1 बाइट, या ओवरऑल कहें हम तो इसको 32 बिट्स बोल सकते हो आप। तो 32 बिट्स बराबर नंबर हो सकता है, अगर उससे बड़ा नंबर आ जाता है सम करने के बाद, जैसे यहाँ पे हम सम करते जा रहे हैं, सब नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो ये बाद में ओवरफ्लो का कारण बन सकता है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसीलिए क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम कर सकता है ये मेथड जो हमारे पास है, तो इसको अवॉइड करने का कोई तरीका होना चाहिए। कोई अवॉइड करने का तरीका हो सकता है क्या इसको? इसी मेथड में कुछ चेंज हो सकता है ऐसा? इस मेथड में कुछ चेंज कर सकते हैं हम? ऐसा कुछ करें जिससे ये ओवरफ्लो ना हो। अंशिका बताइए। जैसे ओवरफ्लो क्यों आ रहा है पता है आपको? यस सर, ओवरफ्लो इसलिए आ रहा है अगर हमारे पास एन जो कोई, अगर हम एन नंबर अगर 32 बाइट्स का आ गया कोई नंबर, तो वो अगर हम उसको ऐड करेंगे उस बाकी जो हमारा समय है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी वो उससे भी बड़ा हो जाएगा जो हमारा एक रेंज है बिट्स की। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये जैसे बहुत ज्यादा नंबर्स हम सम कर रहे हैं,
तो उन नंबर्स को सम करने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई बार वो रेंज से बाहर जा सकते हैं, तो ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या इसी प्रॉब्लम में आप कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ओवरफ्लो की दिक्कत ना आए? कर सकते हैं ऐसा कुछ? निखिल बताओ। सर अगर डेटा टाइप चेंज कर दें, डेटा टाइप अगर मान लीजिए यही रहने देते हैं तब बताइए। जब हम इस सब नंबर को प्लस कर रहे हैं इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? कुछ तो गेस करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। सर हम ऐड करने की जगह काउंट कर सकते हैं। ऐड करने की जगह क्या कर सकते हैं? काउंट। काउंट तो नहीं कर सकते आप, लेकिन ऐड करने की जगह कुछ और करना चाहिए हमें। वो क्या हो सकता है? देखो जहां पे हम ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं, हम कर रहे थे y इक्वल टू y प्लस, और फिर हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, एरे i। ये काम कर रहे हैं हम, इसकी यही तो कारण है ना ओवरफ्लो का। तो इसमें हमें कहीं बदलाव करना चाहिए, और हमने x ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, तो क्यों ना इस लाइन को जो हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इसकी जगह कुछ ऐसा करें कि y एक सम करते हुए ना लेके आए हम, y को ना बनाए, ठीक है? यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम पूरे एरे के एलिमेंट्स को एक साथ सम ना करें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप x को बदलते रहो इसकी जगह, x माइनस एरे i। अब आप कम कर रहे हैं, तो आखिरी में जो नंबर बचेगा वो मिसिंग नंबर होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था हमने, इसको एग्जांपल को देख लो एक बार, 5321 वाला एग्जांपल लिया था हमने, तो 5321 ऐसा हमारे पास एक एरे होगा जिसमें ये चार नंबर पहले से पड़े हुए हैं। हमने देख लिया हमारे पास जो नंबर का सम है वो 15 होना चाहिए वैसे अगर ये सारे नंबर होते तो, पर एक मिसिंग है इसमें से कोई। तो हम ऐसा करते हैं कि जो n इक्वल टू 15 नहीं, एक्चुअली n इक्वल टू 5 है, लेकिन x इक्वल टू 15 है और n इक्वल टू है 5। तो हम क्या कर सकते हैं, जब लूप चलेगी तो x इक्वल टू x माइनस, सबसे पहले 5 को माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा, अगली बार x इक्वल टू x माइनस 3 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, x इक्वल टू x माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस करते ही हमारे पास 5 बच जाएगा, और फिर लास्ट एलिमेंट जैसे ही माइनस करेंगे ये 4 बच जाएगा और लूप खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो मिसिंग नंबर है और ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, ठीक है? ये बात आई समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, बट ये तरीका फिर भी ओवरफ्लो का तरीका है क्योंकि आपको इतने सारे नंबर्स का सम ऐड करके जो आप एक्स निकाल रहे हैं उसमें भी तो एक्चुअली आप इतने सारे नंबर्स को सम कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ये एक्स तभी तो आ रहा है जब आप इतने सारे नंबर्स का सम कर रहे हैं, यहाँ भी तो कहीं ओवरफ्लो हो सकता है। तो प्रॉब्लम हमारे पास लगभग वैसी की वैसी है, तो इसीलिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, मेथड टू। और इस मेथड टू में हम क्या करने वाले हैं, ये जॉर यूज करने वाले हैं। जानते हैं आप जॉर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े हैं आपने? पढ़े बिटवाइज ऑपरेटर की नहीं पढ़े? निखिल यस सर, पढ़े भी बिटवाइज ऑपरेटर की नहीं पढ़े आप लोगों ने? रिस्पॉन्स तो करते नहीं यार तुम लोग, यस और नो तो बोलो। यस सर। ठीक है, पढ़े हैं आपने बिटवाइज ऑपरेटर? यस सर। ठीक है, तो क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर? जहाँ पे एक ही बिट पे काम हो रहा हो, जैसे और या एंड किसी एक ही बिट पे यूज हो रही हो। ठीक है, जैसे एंड है राइट, तो एंड बिट में हमारे पास ये नंबर है 1011 1001, इन दोनों पे अगर एंड वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा अभी? और ऐसी और को चेक करके बताओ 1011 1001, ये और पे क्या आएगा और एंड पे क्या आएगा? एंड पे बताओ पहले क्या होना चाहिए नंबर? वन। आगे? जीरो। जीरो वन। ठीक है, 1001। और इसमें और में 1011। आगे 1111। तो इतना आपको पता है कि एंड में क्या होना चाहिए, एंड में दोनों वन होने चाहिए तभी वन होगा। ठीक है, और में क्या होता है, अगर एक भी वन हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब जोर का बताना है आपने, मैं आपको ऐसे ए और बी दो चीजें रखता हूँ और इसका रिजल्ट रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जोर थोड़ा डिफरेंट होता है, एक्सोर भी बोलते हैं इसे। ऐसे एक टेबल बना देता हूँ, तो ए बी पहले 00 है, ये 01 है, ये 10 है और ये 11 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए एक्सोर बी, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। तो अब आप बताइए मुझे, 00 करेंगे अगर तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? जीरो। जीरो। और 01? जीरो। 010। और 10? ये नहीं पता आप लोगों को, है ना? 011 आएगा और 101 आएगा और 11, इसको देख के बताओ क्या हो सकता है। 11 क्या हो सकता है? बताइए नंदिता। जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या लग रहा है आपको, क्या पैटर्न मिला आपको इसमें? पैटर्न क्या लग रहा है? जहाँ पे एक वन है या जहाँ पे ऑड नंबर में वन है वहां पे 11 आ रहा है, और जहाँ इवन नंबर में वन है वहां 0 आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो ये भी अच्छी आपकी एक कहूँ मैं आपने सही अटेंशन था आपका, जो आपने ये यहाँ से फाइंड आउट किया पैटर्न। आप कह रही हैं कि अगर इवन वन है तो 0 होगा, ऑड वन है तो 1 होगा।
ठीक है चलो, अच्छा है ये भी। अगर हम इन दोनों के हिसाब से देखें तो जब हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं तब जीरो होता है, और अगर डिफरेंट होते हैं तो वन हो जाता है। तो जो आपने कहा वो भी सही है, तो इस चीज को यूज करते हैं एक बार और इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल वही रहेगा, एग्जाम्पल वही रखते हैं और थोड़ा आप ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 1, 2, 5, 3 ये नंबर है, ठीक है, ये एरे है हमारे पास। इसमें जो मिसिंग है वो है 4। तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके से इस जॉर यूज करने से कैसे हम ये मिसिंग नंबर 4 फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा गेस करने की कोशिश करो क्या हो सकता है। अंशिका सर, जैसे हमें पता है 1 से 5 के बीच में रेंज है, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आएंगे, तो हम इसको और उन नंबरों को मैच करके देख सकते हैं कि जहाँ पे नंबर मैच हो रहे हैं सेम है वहाँ 0 आ जाएगा, वहाँ नंबर नहीं है वहाँ 1 आ जाएगा। मैच कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए? दो लूप चलाओगे सर, एक तो 1 से लेके 5 तक के लिए, और दूसरी इस एरे के लिए जो हमारे पास अभी है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि एक लूप ऐसे चलेगी 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, और हम चेक करेंगे फिर कि 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। Yes, फिर ऐसे 2 का चेक करेंगे कि यहाँ पूरी एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ऐसे 3 के लिए, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए, राइट? Yes, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एक तो वो एन स्क्वायर हो जाएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। और ये काम आप पहले भी कर सकते थे, तो हमने इस बार जॉर यूज करना है। ये तरीका तो देखो सबसे वर्स्ट तरीका है, ये तो हम पहले से ही नहीं कर रहे हैं ना, सबसे इससे पहले भी जो हमने तरीका यूज किया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर थी, तो वो एन स्क्वायर वाला वो एन थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने पहले तरीका यूज किया, और इसकी वो एन स्क्वायर है, तो वो एन स्क्वायर वाला तो हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो एन तो यूज करना ही है जो पिछली बार किया। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखो हमारा जॉर में आपने खुद ही पैटर्न फाइंड आउट किया, ऐसा कुछ ऐसा आपने पैटर्न फाइंड आउट किया था एक तरीके से, पर मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर सेम है तो 0 हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। आप चाहें तो जो अभी यहाँ पे ये देखो इसको, ठीक है, तो मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल आपको भी दिखाता हूँ। जैसे 5 है, 5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और 6 को ऐसे लिखेंगे। तो हम पहले 101 और 101 का एक्सोर करके देखते हैं, आप बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे। 0, 0, 0 तीन बार 0 आ गया, ठीक है। सेकंड वाला इसको ट्राई करते हैं, 5 और 6 को ट्राई करते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया जॉर, ये बताओ कितना आ रहा है। 0, 1, 1, 0, 1, 1 मतलब कुछ आया, राइट? जब डिफरेंट नंबर थे तो कुछ आया, जब सेम नंबर है तो 0 आ रहा है। चाहे तो आप ये चीज 6 के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, 1, 1, 0 और 1, 1, 0, इसका कितना आएगा एक्सोर करके? 0, 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 0
है, लेकिन एक मिसिंग है, हमने ये भी बोला। तो ऐसा कर लेते हैं, एक XOR ऑल नंबर्स
फ्रॉम 1 to n. कर सकते हैं, सारे नंबर्स को एग्जॉर कर लीजिए जो भी नंबर हैं आपके पास 1 to n तक के, ऐसा कर सकते हैं. और इनसे जो वैल्यू आती है उसको x मान लीजिए, ये कैसा रहेगा? सेकंड, आप जोर ऑल नंबर्स ऑफ एरे, जितने भी एरे में नंबर हैं उन सबको जोर कर लीजिए और उसको y मान लीजिए. एल्गोरिथम देखो, एल्गोरिथम कैसे काम करती है. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जोर ऑफ x एंड y. अभी बताओ जोर ऑफ x एंड y क्या देगा हमें? ये क्या देगा जोर ऑफ x y? मिसिंग नंबर. ये मिसिंग नंबर देगा, ऐसा क्यों? डिफरेंस ऐसा क्यों देगा? देखो जब आपने एग्जांपल इस तरीके से समझो, जब आपने 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का जोर किया और उसको x माना, ऐसे आपने बाकी नंबर्स का जोर किया उनको y माना, और वो बाकी नंबर कौन से थे? उसमें 5 नहीं था, ये ध्यान है आपको? मतलब एक कोई सा भी नंबर एक मिसिंग था, वो हो सकता है 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है नंबर. तो पहले इन सब को जोर करने के बाद x आया, इन सब को जोर करने के बाद y आया. तो इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 1 का 1 से जोर होगा तो ये क्या देगा आपको आंसर? 0. 2 का 2 से जोर होगा तो क्या आंसर देगा? 0. 3 का 3 से होगा तो 0. 5 का 5 से होगा तो 0. और 4 के साथ जब कोई है ही नहीं तो फिर जोर में क्या आएगा? 4. जब कुछ नहीं है तो, जब कुछ नहीं है तो 4 आएगा ना. ओके सर. तो जोर क्या करता है, हमारे पास जो सिमिलर नंबर है उनको साइड कर देता है सबको, वही बचता है जो अकेला नंबर हमारे पास हो. या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, इफ यू जोर अ नंबर इवन टाइम्स तो इसका आंसर आएगा 0. इफ यू जोर अ नंबर ऑड टाइम्स तो कितना आएगा? 0. अगर आप एक नंबर को इवन टाइम्स जोर करते हैं तो वो 0 आता है, लेकिन अगर ऑड टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 0. बोलो बोलो अंशिका जल्दी. 1 सर. 1 नहीं आएगा, नंबर आएगा. ओके. एग्जांपल देख लो फिर से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिर 4 का, ठीक है? 4 को हम कैसे लिखते हैं? 1 0 0 ऐसे लिखते हैं. अब 1 0 0 देखो, इसको जोर कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 तो पहले इन दोनों को जोर करो, कितना आएगा? 0 0 0 0 इन दोनों को जीरो करो कितना आएगा? 0. और इन दोनों को जोर करो कितना आएगा? कितना आएगा? 0 0 0 तो ये हमने जब इन नंबर्स को इवन टाइम्स हमने लिया तो ऐसा कुछ आया. अच्छा, और टाइम्स ट्राई करते हैं अब. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 कितनी बार भी कर सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे.
तो दो बार करने का तो आपको पता है आंसर कितना आएगा, जीरो जीरो जीरो। एक बार का तो यही बच्चा सिर्फ वन जीरो जीरो। अब इन दोनों को जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है। वन जीरो जीरो। तो वन जीरो जीरो क्या है? फोर नंबर। नंबर आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके से आपको पता चला कि मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने एक किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें सीख लिया। देखो, बिट वाइज ऑपरेटर भी सीखे हैं हमने, और उसके अलावा क्या क्या चीजें सीखी थी हमने, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया हमने थोड़ा सा, ठीक है, और ओवरफ्लो के बारे में हमको थोड़ा पता चला, और ये फॉर्मूला जो आपको नहीं पता था वो भी पता चला। तो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता है, इसलिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है। अब इन सब चीजों के बाद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, फिर से हम वहीं वापस आ जाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस प्रॉब्लम की, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये हैं तीन चीजें लिखी हुई। अंशिका बताइए सर, इसकी ये ऑड वाले की? अरे यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं ना तीन, ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी इनकी? ये एल्गोरिथम है ना, एक एक्सोर वाले की सर? हाँ एक्सोर वाले की बच्चे। एन बिग ओ एन। बिग ओ एन क्यों क्यों लगा? पहले बोलो बोलो। पहले वाले में वो वन टू एन चल रहा है। वन टू एन चल रहा है क्योंकि सब नंबर का जोर कर रहा है। ओके ठीक है सर। थर्ड वाले में तो वो सिंपल एक दोनों का जोर कर रहा है तो कांस्टेंट होगा वो। और सेकंड वाले में? सेकंड वाले में सर वो सेकंड वाले का नहीं पता। सेकंड वाला तो एन चल रहा है ना? यस सर। सेकंड वाला भी तो चल रहा है, तो फिर कितना हो गया? एन प्लस एन हो गया, तो टू एन नहीं हो गया? टू एन हो गया, ठीक है, लेकिन 2n को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n ही बोलते हैं। yes, okay. हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कोई क्वेश्चन पूछना है आपको अभी तक जो आज डिस्कस हुआ? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, या वैसे तो मैंने वीडियो डालनी है वहां से देख लीजिए। राइट प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। इसके मल्टीपल तरीके होंगे, आप एक बार ट्राई करना, और ये बिट वाइज से कर सकते हैं आप।
Second, check whether kth bit is set or not. ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए. जैसे एक नंबर है 4, तो इसका बाइनरी में हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, ठीक है. तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं इसकी कि ये फर्स्ट बिट है या ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, या उल्टा चल सकते हैं कि दिस इज जीरोथ बिट, दिस इज फर्स्ट बिट, दिस सेकंड बिट. तो अभी हम जो kth मान के चल रहे हैं यहाँ पे वो इस साइड से है. तो इस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली k इक्वल टू 2 अगर मैं पूछूं आपसे कि बिट सेट है कि नहीं है, तो आंसर यस होगा. लेकिन k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 1 के लिए पूछूं तो आंसर नो होगा. तो सेट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर बिट 1 है कि नहीं है. ठीक है, ये बात आई समझ में? यस सर. ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं. ये थर्ड क्वेश्चन है, चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है. तो आपका काम रहेगा, आप कुछ एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे आप, ये तो वाइट, अगर वापस आपको कुछ वापस रिटर्न नहीं करना है तो वाइट से कर सकते हैं, नहीं तो इंट बना सकते हैं. और फंक्शन का नाम पैलिंड्रोम रख लीजिए और एक कैरेक्टर स्ट्रिंग कोई पास कर रहा है आपके पास, और या एरे पास कर रहा है कोई, इसके अंदर आपको कुछ कुछ काम करना है, कुछ फंक्शंस के अंदर आपको बॉडी में लिखना है कुछ, जिससे आपको पता चले कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है. और उसके बेसिस पे कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है, या तो आप 0 रिटर्न करेंगे या तो 1 रिटर्न करेंगे. 0 रिटर्न करने का मतलब होगा कि नॉट पैलिंड्रोम, और अगर आप 1 रिटर्न करते हैं इसका मतलब है कि नंबर पैलिंड्रोम है. ठीक है, ठीक है अंशिका, रंजिता एंड निखिल. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं यहाँ पे. कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लीजिएगा, ठीक है. इन जनरल कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं. ओके. यस सर. ओके, सो लेट्स वाइंड अप द मीटिंग. थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir.